हेलो भाई और उनकी बहनों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल काव्यास ब्लॉग पर। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ लोगों की चहेती ढिंचक पूजा का इंटरव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच पूजा आने के लिए और गाने के लिए और इतना YouTube पे छाने के लिए। इन लोगों ने तो ईयर ऑफ कर ली है, मेरा मन सुनकर तो ये करने को करता है 1 2 3। ये ढिंचक नाम कहाँ से है? सबसे पहला सवाल ढिंचक मेरी पर्सनालिटी में, मैंने अपना नाम ढिंचक रखा है। और जो गाने आप गाती हैं, उनमें से कितने गाने आपने खुद लिखे? चारों गाने को। सारे गाने आप खुद लिखती हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई एक फेमस सिंगर जो होता है उसकी एक टीम होती है जो उसके साथ बैठ के काम करती है। सो आपकी टीम है, आप उनके साथ बैठ के गाने बनाते हो, लिखते आप खुद ही हो आपने कहा? जी जी, बट मैं एडवाइजर्स रखे हुए हैं, उनसे एडवाइस लेती हूँ, मैनेजर्स वगैरह सब है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। मैं बताता हूँ इन जैसों के एडवाइजर कहते क्या होंगे। आप अपने मुंह से कुछ भी हक दीजिए, ये बात सुनकर तो सबके कानों से ब्लड वैसे भी आना है। और कब से गाना गा रही हैं? गाना मैं शौक के तौर पर गाती हूँ बचपन से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, न्यूज चैनल पर इसका इंटरव्यू चल रहा है या इज्जत उतारने का समारोह चल रहा है? किसी से सीखा है आपने गाना? जी किसी से सीखा नहीं है। किसी से नहीं सीखा? कोई ऐसा सिंगर आपको लगता है जिससे आप इंस्पिरेशन लेती हैं? जी कौन? माइकल जैक्सन। इसे सुनकर तो माइकल जैक्सन भी स्वर्ग से बोल रहा होगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कोई गाना माइकल जैक्सन का बोलना चाहती है? नहीं, बस इंस्पिरेशन लेती है, कॉपी नहीं करती। अरे नहीं, अगर इंस्पिरेशन लेती हो तो उसके गाने भी तो सुना दो। इनसे तो इंटरव्यू में ये पूछना चाहिए, जब अकल बटी थी तो क्या छन्नी लेके खड़ी थी? दो चीजें होती है, एक तो जब आदमी पॉपुलर होता है तो उसको अच्छा बोलने वाले होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसको बुरा बोलने वाले भी बहुत सारे होते हैं कि आप क्यों गा रही हैं, कैसे गा रही हैं। सो ऐसे लोगों को कभी आंसर किया है आपने सोशल मीडिया पे या कैसे फेस करते? आंसर नहीं करती, मैं उनके कमेंट पढ़ती नहीं। अभी ये बात तो ऐसे भी पता होगी कि अगर मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी तो उसमें मेरी बेइज्जती इनटू 100 ही होगी। जब आपके गाने YouTube पे आने शुरू हुए, आप धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी, सो नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत सारे आए होंगे, सो उनको कभी जवाब दिया है आपने? कभी जवाब नहीं दिया। उनके लिए भी एक गाना बनाइए ना, जो आपको कहते हैं कि आप क्यों गा रही हैं या कैसा गा रही हैं। उनके लिए गाना है हेटर्स गोना हेट। करना चाहती हैं, थोड़ा गुनगुनाना चाहती हैं उसको? वो गाना गुनगुनाने ही लायक नहीं है तो गुनगुनाएंगी कैसे? और वो भी जब गाना गाया होगा तो पढ़कर गाया होगा, क्योंकि याद करने के लिए उसमें दिमाग की जरूरत होती है जो इनमें है नहीं। पांचवा गाना मेरा आ रहा है। पांचवा गाना आ रहा है, कौन सा है वो? बापू दे दे थोड़ा कैश। ये तो आ चुका है ऑलरेडी, लिरिक वीडियो है वो। अच्छा हाँ, लिरिक वीडियो है। तो क्या होने वाला है उसमें, कुछ आप क्या शेयर करना चाहती हैं अपने फैंस? कैश है, मेरे पापा उनसे कैश ले रही हूँ। उसमें पापा का कैरेक्टर भी कोई निभा रहा है? कौन है वो, कोई है या घर का? अच्छा आर्टिस्ट है, घर का कोई नहीं? इसके आर्टिस्ट भी तो कबाड़ी बाजार से सस्ते छाट कर ही लाए जाते हैं। एक बार इसके आर्टिस्ट देखो, ये मोटी चमड़ी का, ये डेढ़ पसली का, भाई कैसे कैसे आर्टिस्ट हैं। घर वाले क्या बोलते हैं जब आप फेमस होने लगी या जब आपने गाना भी शुरू किया, तो घर वालों ने क्या बोला, गाओ, रोका नहीं किसी ने? वो तो बचपन से मुझे सपोर्ट करते हैं जो भी मैं करूँ हर चीज में। अच्छा, मेरे तो घर वाले ये और कहेंगे, अबे हराम जादे, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को दूर रहना चाहिए, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हें चनूने काट। पढ़ाई क्या कर रही है अभी, पढ़ाई आपकी चल रही है या पोस्ट ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। क्या इंग्लिश में? अब आपको ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है, ये क्या लॉजिक है? तो आप पढ़ भी रही हैं, आप गाना भी गा रही हैं, एक्टिंग में भी जाना है आपको? मन होता है जाने का? फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? ऐश्वर्या राय। इसे सुनकर तो ऐश्वर्या राय ने भी ये बोल दिया होगा, आज से मेरा राय देना बिल्कुल बंद। नेक्स्ट टाइम जब ऐश्वर्या राय से पूछेंगे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, क्या जवाब आना चाहिए उनका? ढिंचक पूजा। आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय हाय। इसे सुनकर तो मेरा चिल्लू और पानी में डूबने का मन कर गया। आपके गाने की क्वालिटी ट्यून्स भी बनी? हाँ जी, आई थिंक सो। आपने रखी है? नो। आपने खुद ने नहीं रखी?
ये बात तो इससे भी पता होगी अगर मेरी कॉलर ट्यून दिलों का स्कूटर है मेरा स्कूटर पर ये रिंगटोन पब्लिक प्लेस पर बज भी गई तो उसमें इसी की बेइज्जती इंटू 100 होगी और गालियां पड़ेंगी वो अलग पड़ेंगी। कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि ये मुझे गाना चाहिए था लेकिन ये इन सिंगर ने गाया है? मेरे रश के कमर। हाँ, तो आप गा के बताओ ना एक थोड़ा सा। आप गौनक भाई यही मत करो, अगर ये गाना गाएगी तो ऐसे गाएगी, मेरे रश के कमर तू ना पहली नजर। जब टेंशन आता है तो कौन सा गाना गुनगुनाते हो? टेंशन आता है क्योंकि हर आदमी का रहता है कि जब टेंशन होता है तो वो म्यूजिक सुनता है, वो कुछ अपने आप को पंप अप करने के लिए कुछ करता है। तो आप माइकल जैक्सन के गाने सुनती हूँ। हमने यहाँ पे 3 लोगों को बुलाया है जो आपके क्लेम करते हैं कि वो आपके सबसे बड़े फैंस हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वो आपके ही गाने यहाँ पे गाने वाले हैं, तो आप जरा बताना कि सबसे गंदा किसने गाया। सेल्फी मैंने ले लिया सिर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया। मुझे लग ही रहा था इसके फैंस ऐसे ही होंगे। इसे यहाँ गाने के लिए बुलाया है या मटकने के लिए बुलाया है? एक बार दोबारा देखो। ये है इनकी दूसरी फैन। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। शूटर मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर मेरा स्कूटर। ये गाना गा रही है या कैमरे पे लगी स्क्रिप्ट पढ़ रही है? स्कूटर दिलों का स्कूटर है मेरा स्कूटर, आ आ दिलों का स्कूटर। ये शक्ल से पैन कम कुपोषित का मरीज ज्यादा लग रहा है। किसने सबसे अच्छा गाया? तीनों ने अच्छा गाया। अच्छा, अगर सिंगर नहीं बनती तो इनमें से क्या बनती? शूटर, क्रिकेटर, साइंटिस्ट या नेता? ब्रेकिंग न्यूज। फन की बात के सेट पर ढिंचैक पूजा ने कहा कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहती है। हाँ, इन्हें तो नेता ही बनना चाहिए क्योंकि चूतिया काटना नेताओं को ही आता है, नहीं तो बिना चूतिया काटे किसके 40-50 मिलियन व्यूज आते हैं भाई। सोशल मीडिया पे बहुत सारे चुटकुले बनाए, बहुत सारे जोक्स बनाए, हम पर भी बनाते हैं, सब पर बनाते हैं। कोई ऐसा जोक आपको याद है जिसने आपको खुद हंसाया हो? मैं पढ़ती नहीं हूँ। आप पढ़ती नहीं हो? कोई आपको फॉरवर्ड करता है ये देखो आपके ऊपर किसी ने जोक बनाया? मेरा नंबर किसी के पास नहीं है। नहीं, मतलब आपके दोस्तों ने कभी की याद पूछा? मेरे दोस्त ऐसे नहीं है भाई। इसने तो नकली गन उठाई है, मेरा मन तो असली गन उठा के मारने को कर रहा है। कुछ भी, बिल्कुल रट्टू तोता बन के आई है। तो आपने स्वैग पे एक बनाया था, आपने सेल्फी पे एक बनाया था, आपने दारू पे एक बनाया, आपने स्कूटर पे एक बनाया, तो अगर मैं आपको कुछ दूं तो आप उस पे भी बना लेंगे गाना? ए ले आओ भाई, सामान ले आओ भाई। आपको यही काम नहीं कराना था इससे, ये कहीं भी अपने मुंह से टट्टी हगना शुरू कर देती है। स्टैंड पे लगा, कम से कम इस साइकिल का तो स्टैंड है। थोड़ी अच्छी साइकिल नहीं मिली आप लोगों को? पता है गेस्ट आया है, कितने टाइम से हम प्रिपेयर कर रहे थे कि ढिंचैक पूजा आएंगी, आपने यही साइकिल लानी थी। मजाक कर दिया। रौनक भाई की बातों का रिप्लाई वो लड़का अपने मन में ये दे रहा होगा, इनके औकात के हिसाब से ये साइकिल बहुत अच्छी है। रेडी? होना भी लिया। 3, 2, 1 गो। दिलों की राइफल है मेरी साइकिल, दिलों की राइफल, ट्रिंग ट्रिंग। दिलों की राइफल है मेरी साइकिल, दिलों की राइफल, ट्रिंग ट्रिंग, मेरे फेवरेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंच पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राम, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। रौनक भाई यही मत करो, अगर ये गाना गाएगी तो ऐसे गाएगी, मेरी रसों के कमर तूने पहने ये नजर, मेरी रसों के कमर।